तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनएसजी में निकली बम्पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत पहले आ चुका था, हम एक और वीडियो इस पर बना चुका है दोस्तों, लेकिन इसका डेट फिर से बढ़ा दिया गया, तो उसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको इसमें जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाला गया है वो 9 पदों पर निकाली गई दोस्तों। असिस्टेंट कमांडो के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है दोस्तों, जैसे चाहे आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी के कुछ डिटेल दिया गया दोस्तों, चाहे इसे आप पढ़ सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट मार के आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 35,400 से लेकर 1,12,000 रुपए तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकता है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकता है। अगर आपका एज कम से कम 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो 18 से 43 वर्ष आपका एज है तो भी ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर आप एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 18 से 45 वर्ष आपका एज है तो भी ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हाइट के बारे में जानकारी दिया गया है, जो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना आवश्यक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग के बारे में, यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं किया गया दोस्तों, जब भी आएगा हम एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया गया, जो फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है दोस्तों लगेगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपको राइटिंग एग्जाम वगैरह होगा दोस्तों, फिजिकल मेडिकल होता है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें जॉब लेना है दोस्तों तो आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी में नौकरी लेना होगा, 3 साल करना होगा दोस्तों, या कोई भी पुलिस फोर्स में आपको नौकरी करना होगा 5 साल, उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पुलिस फोर्स या इंडियन आर्मी में नौकरी लेना होगा पहले दोस्तों, उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो 5 जुलाई से आवेदन इसका स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 30 जुलाई तक चलेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ऑनलाइन होगा, उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। लिंक अवेलेबल कर दिया गया है, यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर उसे पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास जरूर इसे शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस वैकेंसी की जानकारी का पता चल सके। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सअप और टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।